अंदर चल मेरे साथ। समर बैग ले मम्मी की। बापूजी प्लीज मत रोइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर के रिश्तों को एक मेरी बेटी है और कोई नहीं। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, मेरे जैसी कड़क, तेरे जैसी मीठी। अगर आप एक कसम देती ना मम्मी तो मैं दो देता, दो देती तो चार देता, लेकिन आपको अकेले कहीं नहीं जाने देता। आप चिल्लाती, डांटती, मारती, चाहे जो करना है करती, लेकिन आपका पल्लू पकड़ के आपके पीछे पीछे चलाता मम्मी। मम्मी सच कहूँ, आप वही करने जा रही थी जो काव्या आपसे चाहती है। आई एम सो श्योर कि ये उसी का ही गेम प्लान है। पापा को भी उसी ने ही भड़काया है मम्मी। शी नोज़ कि आपके यहाँ रहने से उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि आप इस घर में रहें। काव्या क्या सोचती है, क्या चाहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो मुझे बस अपनी स्वीटी की है। कुछ पल के लिए भूल गई थी कि माँ का अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं होता। उसका अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, सब कुछ उसका नहीं, उसके बच्चों का होता है। अगर मेरी स्वीटी आती और देखती कि मैं घर पे नहीं हूं तो वो टूट गई होती। अच्छा वो बापूजी ने याद दिला दिया। मैं रिलैक्स मम्मी, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचना। And we'll make sure कि ऐसा कभी हो भी ना। मम्मी वैसे मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं भी। मम्मी आप स्वीटी के लिए रुक गए, मेरे लिए, तोशु भाई के लिए, मेरे लिए भी नहीं। Very bad। ये तो भेदभाव है, ना इंसाफी है, जुल्म है। अरे थोड़ा ज्यादा हो गया ना। है लेकिन है मम्मी। चुप 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 तुम दोनों। तेरी माँ हर दर्द सहन कर लेगी स्वीटी, पर तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देगी। आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया जो बहू को यहाँ रोक दिया। सही किया वो तो पता है, अच्छा किया कि नहीं नहीं पता। बहू का साथ देकर आपने वही किया जो आपको करना चाहिए, जैसे मैंने मेरे बेटे का साथ देकर वही किया जो मुझे करना चाहिए। एक तरह से अच्छा ही है, बहू और बेटे दोनों अकेले नहीं है। तुम दोनों पर अपना आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद तो है, पर बटा हुआ घर नहीं बटा, पर प्यार भी बढ़ गया और आशीर्वाद भी। समर और किंजल अनुपमा के साथ, तोशु और स्वीटी मनराज के साथ। अब साथ रहेंगे तो साथ हो भी जाएंगे। बस ये देखना है कि वो मैदे की कटोरी बहू को यहाँ देख के क्या करती है। ठीक है, बेटे के लिए उसे भी झेलना पड़ेगा। वी, एक नई ओपनिंग आई है। इतनी रात को चाय पी रहे हो भी? हाँ, सर दर्द हो रहा थोड़ा। तुम अभी बाहर मत जाना, सब लोग अनुपमा को लेके बहुत ओवरवेल्ड हैं। शांति से रात गुजर जाना। तो तुम अपने रूम में ही रहना, गेस्ट रूम में रहना प्लीज। डोंट वरी वी, मैं अपने गेस्ट रूम में ही रहूंगी। गुड, मैं भी बस अभी सोने जा रहा हूँ। वी आई ओके? सच कहूँ तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे हल्का महसूस हो रहा है। आई अंडरस्टैंड वी, तुम्हारे दिल का गुबार जो निकल गया। वैसे अच्छा हुआ जो तुमने सबको बोल दिया, अब बोलना जरूरी हो गया था, वरना सब कहते रहते और तुम सुनते रहते और अंदर ही अंदर घुटते रहते। अब तुम देखना वी, कोई तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहेगा, मगर एक बात है वी, जो तुमने कहा ना, प्लीज उस पर अमल करना। ओके? मतलब? मतलब ये कि बाबूजी से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना, और ये बात को बस बातें ही मत रहने देना। काव्या तुम फिर से ये सब... वी सुनो प्लीज, तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है, चीखना है, गुस्सा करना है, जो करना है कर लेना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अनुपमा के पास उसके बच्चे हैं, उसकी बहू किंजल एक करोड़पति की बेटी है, वो एक फोन करेगी और राखी दवे अपनी तिजोरी लेकर हाजिर हो जाएगी यहाँ पर, और किंजल के लिए बंगला खड़ा कर देगी, और फिर किंजल अनुपमा को अपने साथ रख लेगी। वी, अनुपमा, समर, किंजल, तोशु, ये लोग सब अच्छा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट वी व्हाट अबाउट यू? देखो वी, अनुपमा अगर अपने मायके में रहे या फिर किंजल के साथ रहे, अनुपमा की लाइफ तो सेट है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वी तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले तो जॉब के लिए और उसके बाद जॉब पर टिके रहने के लिए, और भी उसके ऊपर बापूजी और पाकी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर ही है ना। वैसे सर से छत जाने के बाद आई रियलाइज्ड भी कि अपना घर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हें ये बात शायद अभी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि तुम यहीं रह रहे हो, लेकिन भी जस्ट इमेजिन कल को अगर ये घर भी तुम्हारे पास नहीं रहा तो फिर तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे तुम? भी इसीलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि प्लीज डिवोर्स होने से पहले ये घर का और ये सारा प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व कर दो। फाइन, मैं बापूजी से इस बारे में बात करता हूँ, पर एक बात तुम भी याद रखना, इस घर में तुम्हारी वजह से कोई इशू नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। एक ही बात तुम कितनी बार कहोगे वी? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? है, भरोसा है, बट आई नो योर नेचर एंड योर इम्पल्सिव बिहेवियर। जरा सी बात पे भड़क जाती हो, इनसिक्योर हो जाती हो और फिर कोई स्टूपिडिटी कर देती हो तुम, इसीलिए बार बार वार्न कर रहा हूँ। देखो काव्या, मैं अगर तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ तो तुम्हारी गलती पे मैं तुम्हारे अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता हूँ, ये बात याद रखना। मैं याद रखूंगी वी, एंड आई प्रॉमिस कि कोई इशू नहीं होगा। अब अनुपमा यहाँ नहीं है तो ये घर और तुम्हारी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाऊंगी, आई प्रॉमिस। गुड, यू बेटर डू दैट। फैमिली फैमिली फैमिली, जब देखो फैमिली। मैं अनुपमा नहीं हूँ वी जो तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए उनकी सर्वेंट बन जाऊं। मुझे कब क्या करना है और कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है।